नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका तोशानी की दुनिया में। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। घर से निकलते ही मैंने देखा बाइक में तेल कम है, तो पहले हमने तेल डलवाया और उसके बाद झटपट ही हम अपने घर के पास बारबेक्यू नेशन में पहुंच गए। यह है बारबेक्यू नेशन जीरकपुर वाला और ये है जीरकपुर ढिल्लो प्लाज़ा में, तो आप ज़रूर आइए जहाँ पे। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। वैसे तो बारबेक्यू नेशन का अच्छा ही एम्बियंस होता है, लेकिन ये कुछ बहुत खुला डुला है और बहुत ही अच्छा है, कोजी इन्वायरमेंट था यहाँ पर। क्या क्या खाना है? बारबेक्यू नेशन एक मल्टी फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट है जो देश के कोने कोने में फैला हुआ है। यहाँ के रेट्स डे के हिसाब से होते हैं। मंडे एंड ट्यूसडे यूजुअली रेट्स चीप होते हैं। हम लोगों के बैठते ही इन लोगों ने चाट का ठेला लगा दिया हमारे सामने। दही पूड़ी, पानी पूड़ी और तरह तरह की चाट, केहून पटैटोस और नॉन वेज वालों के लिए कीमा विद ब्रेड बटर पाव, जो भी आप कह सकते हैं। जब भी अगर आप बारबेक्यू नेशन जाएं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि शुरू शुरू में ब्रेड वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपका पेट जल्दी भर जाए। ये इनकी स्ट्रेटजी भी होती है, थोड़ा थोड़ा खाएं और सारे आइटम्स को इंजॉय करें। थोड़ी देर में हमारे बारबेक्यू भी लग गए। इसमें फिश भी थी, चिकन भी था, वेज वालों के लिए पनीर टिक्का एंड ऑल दोज थिंग्स, प्रॉन्स, और सबसे अच्छा मुझे लगा पाइनएप्पल एंड प्रॉन्स। अच्छा तो सब कुछ था, लेकिन सबकी अपने अपने चॉइसेस हैं, तो इन्जॉय कीजिए। सब कुछ सच में बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे। और पिकाचू के लिए बर्फ़ आई थी, उसको बर्फ़ खानी थी। कुछ नहीं हो गया। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हमारी पिकाचू की थी। उसने पहले खूब सारा चिकन खाया, खूब सारी फिश खाई और उसके बाद में जाके उसने डांस किया, डांस करके अपना खाना पचाया, फिर से खाना खाया। तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब भी आप बारबेक्यू नेशन में जाएं। एंड सच में इस बच्ची ने इतना एंजॉय किया, मैंने कभी नहीं देखा उसको इतना एंजॉय करते हुए कभी भी। ठीक है, यहाँ पे तो वो अलग ही थी। एपेटाइजर्स ख़त्म करके हम मेन कोर्स की तरफ गए। बहुत सारे आइटम्स थे। अपना मम्मी ने मटन लिया था, ठीक है, मैंने कुछ और लिया था, मैंने शायद मछली ली थी, एंड हमारी धर्मपत्नी ने ली थी अंडा करी और साथ में नान। और मेन कोर्स जल्दी जल्दी निपटा के हम लोगों ने डिज़र्ट की तरफ अपना रुख किया। तो डिज़र्ट में भी बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, मैं गिना नहीं सकता इतने आइटम्स हैं। तो जैसा आप देख ही रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम है, फिरनी है और ब्राउनी है, जेली है, गुलाब जामुन है, मिनी गुलाब जामुन, और ये मूंग दाल का हलवा बहुत टेस्टी था, सच में बहुत टेस्टी था। मेरे को भी खिलाओ। हमारी महारानी तोशानी देवी ने खूब सारा नॉनवेज खाने के बाद खूब सारा डिजर्ट भी खाया। इसने इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये एक लाइव काउंटर का आपको नज़ारा दिखा देते हैं। ये चाट वगैरह का कॉर्नर था, पास्ता वगैरह बन रहा था, यहाँ पे मंचूरियन बन रहा था। उसके पीछे जो है आप देख पा रहे हैं, ये है अपना बुफे जो है मेन कोर्स का, वो वाला सिस्टम था, ठीक है। तो साथ ही फिर मिशु जी भी साथ में आ गई, उन्होंने खोल खोल के सारा आइटम दिखाया। देखे स्टीम राइस वगैरह, दाल है यहाँ पे, ठीक है, ये था आलू गोभी थी, पनीर बटर मसाला था, ठीक है, साथ में कढ़ाई वेज थी, ठीक है, एंड उसके बाद में चिली गार्लिक के नूडल्स थे, मंचूरियन बॉल्स थे। फिर यहाँ से नॉन वेज का सेक्शन शुरू हुआ था। सबसे पहले फिश थी, फिश के साथ में चिकन था, एंड उसके बाद में यहाँ पे बटर चिकन बटर मसाला था, एंड आपका मटन था, मटन के बाद में चिकन बिरयानी थी, दम बिरयानी। दम बिरयानी वाज वेरी टेस्टी, वेज वाली भी, नॉन वेज वाली भी। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये था सेक्शन पूरा का पूरा डिज़र्ट का। देखिए ए टू जेड सारे डिज़र्ट है यहाँ पे, शीर कुरमा,
अपने चॉकलेट बॉल्स, दो तरह की आइसक्रीम्स, और यहाँ पे देखिए आपका पायसम विद मूंग दाल हलवा एंड गुलाब जामुन, ठीक है। एंड यहाँ पे दो तरह के अपने सूप्स थे, टोमेटो सूप एंड ऑल दोस थिंग्स। खूब सारे सैलड्स हैं, आप सैलड्स खा सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स हैं आपके पास, अचार एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी, एंड एवरी थिंग इज़ अनलिमिटेड। यू वॉन्ट जितना खाना चाहते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, प्लीज़ गो एंड हैव। एंड दिन की जो है अंत हमने करा ये शाही टुकड़ा खा के, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद खा पी के फिर हम निकल गए घर की तरफ। तो हम लोगों ने यहाँ पे कम से कम 1.5 घंटा गुजारा होगा, और वी हैव एंजॉयड एवरी सेकेंड ऑफ इट। सो बाय बाय, लेट्स सी यू इन अनदर ब्लॉग। एंड वी वर नॉट पुटिंग अप ब्लॉग्स फ्रिक्वेंटली ड्यू टू पर्सनल लॉस इन आर फैमिली, तो लेट्स होप कि अगली बार से जो है हम रेगुलरली ब्लॉग्स डालेंगे। Come on. Did you enjoy it?